तमाम जिल्लार विभिन्न स्थान रे एटीएम लूट घटन रे पुलिस को नाकेदम करितिबा एक गैंग रो दुई जनों को शिल्पांचल पुलिस गिरफ करी शुक्रवार कोर्ट चलाण करिछि। थाना अधिकारी परेश कुमार राउत शुक्रवार एने थाना रे एक सांबादिक सम्मेलन डाकि घटना संपर्क में विस्तृत सूचना प्रदान करिथिले। श्री राउत कहिथिले जे 6 तारीख विलंबित राति रे रेमुणा ब्लॉक छक निकट रे एसबीआई रो एक एटीएम रु 15600 टंका लूट होइथिला। सही दिन राति रे पुलिस पेट्रोलिंग समय रे निकटस्थ गैस ऑफिस गली रे किछि युवक एक बाइक छाड़ी दौड़ी पलाइथिले। पुलिस बाइक को जबत करी थाना को नैथिला। परदिन एसबीआई एटीएम मेंटेन करथुबा संस्था पक्षरु एटीएम लूट संपर्क रे थाना रे अभियोग करा जाइथिला। पुलिस 11/2018 नंबर एक मामला रुजु करी तदंत जारी रखिथिला। पूर्व दिन पुलिस जबत करथिबा बाइक रो नंबर एवं सीसीटीवी फुटेज आधार रे आसामी निकट रे पहुंचीथिला। सदर थाना अधीन रसालपुर चेलियापड़ा गांव रो नारायण बेहरा पुओ कालिया उर्फ दीपक को धरी पचरा उचरा करथिला। परे ताठारु सूचना पाई सही थाना अंतर्गत रसालपुर शंकर घड़ई पुओ हुआ उर्फ अजय घड़ई को मध्य धरीथिला। सिमुलिया ठारु जलेश्वर पर्यंत प्राय 9 एटीएम लूट घटन रे संपृक्त थिबा सेमाने एवं तांकर अन्य सहयोगी संपर्क विषय रे स्वीकार करिबा परे सेमानकु गिरफ करा जाइथिला। रसालपुर गोपालपुर खंतापड़ा रसलपुर सुनट हलदीपदा जलेश्वर एवं सिमुलिया प्रभृति स्थानरु 9 एटीएम लूट घटन रे 2,71,700 टंका लूट होइथिबा बेले दीपक निकटरु 47,700 एवं अजय निकटरु 28,600 टंका जबत होइछि एवं बाकी टंका सेमाने अन्य बाटरे खर्च कर देइथिबा थाना अधिकारी सूचना देइछन्ति।